यही है यार, इसको पकड़ो कैसे। मैं पहुंच गया हूँ जी बुडापेस्ट, और गूगल भाई मुझे बता रहे हैं कि मुझे अपना जो हॉस्टल का जो रूम मैंने बुक किया था वहाँ तक तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से, तो पैदल ज़रा लंबा टाइम हो जाएगा, तो एक ट्राम पकड़ते हैं। तो ये आई थिंक ये एक नंबर, इसी ने जाना था तो इसी को ही पकड़ते हैं। ख्याल है कि इसी ने जाना है किसी और, तो ये एक नंबर आई तो है। यही है यार, इसको पकड़ो कैसे। दिस इज़ अ मेट्रो स्टेशन, अभी मैं इसको यहाँ से सो मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। मैं असल में चढ़ा मैं बिल्कुल सही ट्राम के ऊपर था, एक नंबर पे, लेकिन वो मुझे बाद में आके पता चला कि मैं गलत बस स्टेशन के ऊपर उतर गया था, जिस बस से मैं बुडापेस्ट की तरफ, तो उसके 2 स्टॉप थे, तो मुझे बेसिकली उसे अगले स्टॉप पे उतरना था, मैं 1 स्टॉप पहले उतर गया, तो वो मुझे समझ नहीं आ रही थी। खैर वो फिर मैंने देखा कि वो बेसिकली जो स्टॉप था उसी ट्राम से मैं जा सकता था दूसरे स्टॉप तक, तो लेकिन काफ़ी दूर था, तो वहाँ से खैर मैंने ट्राम पकड़ी, और जो जिस बस स्टेशन के मैंने उतरना था वहाँ तक आया, और यहाँ से अब तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 7-8 मिनट की वॉक है, जो गूगल भाई मुझे बता रहे हैं। गूगल भाई ने जो मुझे बताया था, इंटरनेट तो हर वक्त नहीं होता मेरे पास अवेलेबल, तो अब उसी पाथ को फॉलो करके तो मैं जा रहा हूँ हॉस्टल की तरफ। ये एक होटल नज़र तो आ रहा है, पता नहीं ये वाला है। ये है जी, छोटा सा रूम मिला है, साफ सुथरा है, काफ़ी छोटा। बट रूम में पहुंच गया मैं, कहाँ पे था यार, हंगरी बुडापेस्ट, और भूख मुझे बहुत सख्त लगी हुई, सुबह का नाश्ता ही किया हुआ सिर्फ, तो अभी मैं यहाँ से निकलूँगा, बाहर जाकर कुछ देखता हूँ कुछ खाने के लिए, और उसके बाद बस मैं आके सो जाऊँगा। और सिटी को कल सुबह थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और फिर निकलेंगे अपनी मंजिल की तरफ। वैसे काफ़ी तारीखी शहर है, एक इसी ज़माने में एक जो जंग अजीम 1 से वर्ल्ड वार 1 से पहले जो
सबसे बड़ी सल्तनत थी पूरे यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रो हंगेरियन, वो जिसका जिक्र मैंने स्लोवाकिया में भी किया था। तो उसका ये कैपिटल था, दारुल खिलाफा था। तो बहरहाल अब तो खैर एक बहुत पुरानी बात है, ना वो ऑस्ट्रो हंगेरियन सल्तनत रही है और ज़ाहिर है ना ये उसका कैपिटल। तो ये स्टिल हंगरी का कैपिटल है। इस वक्त में रिवर डेन्यूब कहलाता है ये, इसके साथ साथ जा रहा हूँ। और यार ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ मुझे पता चली कि एक गैलट बाथ या गैलट बाथ के नाम से यहाँ पर कुछ थर्मल बाद है बुडापेस्ट के अंदर, जिसका पानी यहाँ पर करीब कोई पहाड़ है गैलट हिल के नाम से, उधर से आता है और उसको जमा करके उसको जमा किया जाता है किसी बाग के अंदर। और उस पानी के बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर हीलिंग पावर्स, यानी कि बहुत सारी बीमारियों के लिए इंतहाई मुफीद। ये बात बेसिकली बनाया गया था 1912 में, स्टार्ट 1912। उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर टू के बाद फिर दोबारा इसको रीबिल्ड किया गया दूसरी जंग अजीम के बाद। लेकिन इस तरह के बाद सल्तनत उस्मानिया ओटोमन एम्पायर के अंदर भी मौजूद थे। दरअसल उन्होंने ही आगाज़ किया था इस तरह की चीज़ें, इस तरह के बाद या इस तरह के हमाम उसे कहते हैं तुर्किश के अंदर, वो बनाने का 15वीं-16वीं सदी में। ये वो दौर है कि जिस वक्त ये वाला इलाका सारा बुडापेस्ट ये उस्मानिया सल्तनत के अंडर होता था। तो अभी चलते हैं और जाके खुद एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसा है ये और क्या वाकई कोई इस तरह की चीज़ें हैं इसके अंदर, कुछ हीलिंग किस्म की पावर है। लेट्स सी। बात से मैं हो आया हूँ। ये चश्मे का पानी है दरअसल, यहाँ पर एक पहाड़ी है गेरहार्ट के नाम से, वहाँ से आता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत सारी हीलिंग किस्म की पावर है, बहुत सारी जिल्द की सांस की बीमारियों के लिए ये पानी बहुत ज़्यादा मुफीद है। उसकी वजह ये है कि इसके जब एनालिसिस किया गया तो इस पानी के अंदर एक तो ये नेचुरली गर्म पानी है जो ऊपर से आता है पहाड़ी से और चश्मे से, और दूसरा इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं जिसमें ये अल्कलाइज है, फ्लोराइड के मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सो बहुत सारे मिनरल्स हैं बड़ी ख़ास मिकदार में। और इसी जगह के ऊपर 15वीं या 16वीं सदी से पहले एक हस्पताल भी बनाया गया था, और उसी हस्पताल में और बहुत सारी बीमारियों के साथ साथ यहाँ पर ये जो कुदरती चश्मे का पानी है कि जिसको जमा करके अब तो खैर उन्होंने एक पूरा बाथ एक बहुत बड़ा हॉल के अंदर बना दिया, तो इसी को इस्तेमाल करते थे बहुत सारे लोगों की बीमारियां ट्रीट करने के लिए भी। तो बहरहाल अब मुझे नहीं पता कि इसका कोई वाकई इस तरह से कोई लॉन्ग टर्म
मेडिकल इफेक्ट है या नहीं है। बहरहाल खैर हमने एक्सपीरियंस कर ली है, तो अब कॉफ़ी की तलब हो रही है बहुत ज़्यादा। आज सुबह भी मैंने कॉफ़ी नहीं पी थी, तो अभी चेक करते हैं। और ये सामने एक तो एक पहले अब ज़रा कॉफ़ी ढूंढते हैं। Excuse me. May I have one sugar more, please? One more? Yeah. बस स्टेशन पे मैं बैठा हूँ और अभी रवाना होने लगा हूँ बेलग्राद सर्बिया की तरफ। तो उससे जो बस है वो आई थिंक आ गई है, ये वाली बस है फ्लिक्स बस, इसने जाना है। और तकरीबन 6 से 6.5 घंटे में हम सर्बिया पहुँच जाएंगे।